बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने टेक्स्ट बॉक्स, क्लिपबोर्ड और कॉलम्स को आप एमएस वर्ड में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक विच इज ग्राफिक्स एंड वर्ड आर्ट, यानी ग्राफिक्स और वर्ड आर्ट का इस्तेमाल आप एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए वक्त को जाया किए बिना अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों ग्राफिक्स के मानी होते हैं इमेजेस, यानी कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि आपको इमेजेस को शो करने की या फिर मैनिपुलेट करने की, यानी इमेजेस को अपने सॉफ्टवेयर में दिखाने और उस पर किसी किस्म का कोई भी एक्शन परफॉर्म करने की इजाजत देता है, तो इस तरह का प्रोग्राम कहलाता है कि वो ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही एमएस वर्ड जो कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जो कि एक इस तरह का प्रोसेसर है जो कि टेक्स्ट को तो इंसर्ट करा सकता है, लेकिन साथ के साथ वो ग्राफिक्स को भी सपोर्ट करता है। आप उसके अंदर तरह तरह की ग्राफिक्स, इमेजेस, शेप्स वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आप किस तरह ग्राफिक्स को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करा। दोस्तों अब आप एमएस वर्ड 2016 पर मौजूद हैं और एमएस वर्ड के अंदर ग्राफिक्स यानी इमेजेस को, पिक्चर्स को इंसर्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले मेन्यू बार में इंसर्ट पर जाना होगा। इंसर्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो थर्ड बार नजर आ रहा है वो है इलस्ट्रेशंस का। तो दोस्तों ये वो बार है जिसके अंदर वो तमाम चीजें हैं जो कि ग्राफिक्स से रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर में मौजूद कोई पिक्चर को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पर मौजूद पिक्चर को, यानी आपकी पिक्चर कहाँ मौजूद है जिसको आप डॉक्यूमेंट के अंदर डालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पर यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मेरी पड़ी हैं, तो मैं यहाँ पर इमेज को, एक पिक्चर जिसका नाम इमेज है, इस पर क्लिक करती हूँ। और क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि अब वो पिक्चर मेरे इस डॉक्यूमेंट में आपको नजर आ रही है। तो दोस्तों पिक्चर को इंसर्ट करते ही आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेटिंग पर आ गया है और इसने पिक्चर्स के स्टाइल्स ये मुझे शो कर रहा है कि मैं इस पिक्चर की स्टाइलिंग कर सकती हूँ, इसका बॉर्डर वगैरह चेंज कर सकती हूँ, इस पिक्चर के इफेक्ट्स वगैरह को चेंज कर सकती हूँ। तो दोस्तों पिक्चर स्टाइल के अंदर आप जो भी अपने पिक्चर का स्टाइल चाहते हैं, इस तरह का चाहते हैं, इस तरह का चाहते हैं, जैसा भी आप स्टाइल चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर के अंदर आप इस पिक्चर का जो भी बॉर्डर कलर रखना चाहते हैं, ग्रे रखना चाहते हैं, व्हाइट रखना चाहते हैं, जो भी आप इसका बॉर्डर कलर रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस पिक्चर को अगर आप कोई भी इफेक्ट्स दे सकते हैं तो उसे याद रखिए यही इफेक्ट आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पिक्चर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप वर्ड आर्ट्स वगैरह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप शेडो के जरिए इस पिक्चर को जो भी शेडो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन के जरिए आप इसका रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरीके से ग्लो के जरिए आप इस पिक्चर का जो भी ग्लो देना चाहते हैं यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस के अंदर आप इसके जो भी कॉर्नर्स को जितना सॉफ्ट रखना चाहते हैं और जितना ज्यादा सॉफ्ट या फिर जितना कम रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और 3D रोटेशंस के अंदर आप अगर इसको पिक्चर को रोटेट वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी एक पिक्चर पर जितने भी ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते थे वो आपको यहाँ पर इस बार के अंदर आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों पिक्चर्स के बाद आपको इंसर्ट यानी इलस्ट्रेशन के अंदर जो दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा है वो है ऑनलाइन पिक्चर्स का। दोस्तों पिक्चर्स के अंदर आप कंप्यूटर में मौजूद पिक्चर्स को डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इंटरनेट के ऊपर मौजूद किसी पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं तो वो आप ऑनलाइन पिक्चर्स के इस ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है शेप्स का। दोस्तों ये वो ऑप्शन है जिसके जरिए आप अलग अलग शेप्स आपको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है। इन शेप्स को आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डालकर कोई भी चीज आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेक्टेंगल्स की शेप्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, कुछ एरोज वगैरह की शेप्स हैं, तो इन तमाम चीजों को भी आप अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। दोस्तों इन शेप्स के जरिए मैं आपको अभी एक साइकिल बनाना सिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई की साइकिल बनाना चाहती हूँ कि बटरफ्लाई पहले एग बनती है, पहले एग होता है, फिर उसके बाद वो कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा होता है और आखिर में बटरफ्लाई बन जाती है। तो अगर आप उस साइकिल को इन शेप्स के जरिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी शेप को आप इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल को लिया है। अब आपको यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में जहां भी इस रेक्टेंगल को प्लेस करना है आप अपना कर्सर वहां पर लेकर जाएंगे और क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये एक रेक्टेंगुलर शेप खुल गई है। अब आप इसको जितना बड़ा
या फिर जितना छोटा करना चाहते हैं तो वो आप इस माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया है। और दूसरी चीज कि आप इस शेप को जहां भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर प्लेस करना चाहते हैं तो आप सिंपल अपने कर्सर को इसके एजेस पर लेकर जाएंगे और अब आप इसको जहां भी रखना चाहते हैं वो आप इसको ड्रैग करके लेकर जा सकते हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बटरफ्लाई होती है उसकी चार साइकिल्स होती हैं। पहले वो एग बनती है, उसके बाद वो कैटरपिलर बनती है, फिर प्यूपा बनती है और आखिर में वो बटरफ्लाई बन जाती है। तो मुझे इस तरह के चार बॉक्सेस चाहिए होंगे तो मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके इसके तीन बॉक्सेस इस तरह के और बना लूंगी और इन्हें सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर प्लेस कर दूंगी। दोस्तों अभी मैंने आपको प्लेस करना भी सिखाया है, अब मुझे इसके अंदर इंसर्शन करनी है। एक और अहम बात दोस्तों, अगर आप चाहें तो शेप्स के स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी यहाँ पर आपको शेप स्टाइल नजर आ रहे हैं तो जो भी आपको इस शेप का स्टाइल आपको करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस शेप का कलर आपको जो भी फिल करना है शेप फिल के जरिए आप वो भी फिल कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन वगैरह चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर जिस तरह आप पिक्चर पर इफेक्ट डाल रहे थे आपको कोई इफेक्ट डालना है तो वो भी आप इन शेप पर डाल सकते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पर इंसर्शन करने जा रही हूँ, टेक्स्ट लिखने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी एग, एग के बाद ये बनता है और इस तरह दोस्तों मैंने इसके अंदर तमाम टेक्स्ट इंसर्ट कर दिए। अब बारी आती है इनको आपस में कनेक्ट करने की। तो मैं दोबारा से इंसर्ट में जाऊंगी, शेप में जाऊंगी और यहाँ पर मुझे कुछ बेसिक एरोज नजर आ रहे हैं तो अगर मैं कनेक्टर ये वाला चूज करके इसको क्लिक करूंगी। अब दोस्तों जहां भी आपको इसको प्लेस करना है आप इस कनेक्टर को लेकर जाएंगे और जिस तरह आप शेप पर तमाम स्टाइल्स अप्लाई कर रहे थे बिल्कुल ऐसे ही ये आपको कनेक्टर पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी जितनी भी शेप्स आपको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है उसके ऊपर आप इस तरह के तमाम फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, अब मुझे इस एग को कैटरपिलर से कनेक्ट करवाना है तो इसके लिए भी मैं इसी शेप को कॉपी पेस्ट करूंगी, कंट्रोल सी करूंगी और जैसे ही कंट्रोल वी दबाऊंगी इसका कॉपी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आप जानते हैं कि मुझे इसको इस डायरेक्शन में, यानी ये एरो तो ठीक है मगर मुझे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो उसके लिए आपको एक राउंडेड एरो नजर आ रहा होगा। आप इसको जिस भी डायरेक्शन में मूव कराएंगी अब ये आपके सामने उसी डायरेक्शन में प्लेस होगा। बिल्कुल ऐसे ही अब मैं इस कैटरपिलर को प्यूपा से कनेक्ट कराऊंगी तो उसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगी। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगी तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और बिल्कुल ऐसे ही अब मुझे इसको यहाँ भी प्लेस करना है तो मैं सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद इसकी इस राउंडेड एरो के जरिए माउस के जरिए इसको घुमाकर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूंगी। तो दोस्तों अब आपके सामने एक बटरफ्लाई की साइकिल मौजूद है। अब अगर ये तो आपने खुद जनरेट की है यानी खुद आपने ड्रॉ की है, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको इस तरह की भी शेप्स प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप पहले से मौजूद साइकिल्स भी डाल सकते हैं, बस आपको टेक्स्ट उसके अंदर इंसर्ट कराना होगा। और वो आप कहाँ से कर सकते हैं, आपको यहाँ पर शेप्स के बाद स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शन नजर आ रहे हैं। लिस्ट का लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट से मुताबिक तमाम शेप्स नजर आ रही हैं, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस से मुताबिक, साइकिल्स के अंदर साइकिल से मुताबिक। यानी अभी हमने आप देख सकते हैं कि इस तरह की एक साइकिल क्रिएट की है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो साइकिल खुल जाएगी। आइए देखते हैं किस तरह से। दोस्तों आप सिंपल दोबारा से स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे, स्मार्ट आर्ट पे जाने के बाद आप साइकिल्स पे जाएंगे और साइकिल पे जाने के बाद आपने इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने ये एक साइकिल मौजूद है। और अगर आप इस साइकिल के कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ चेंज कलर के जरिए इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो भी आप इसको कलर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एग्स वगैरह डालना चाहते हैं, एग्स लिखना चाहते हैं, फिर आप कैटरपिलर लिखना चाहते हैं, जो भी आप टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले जो है हमें खुद से शेप ड्रॉ करने में कितना वक्त लग रहा था, लेकिन एमएस वर्ड आपको पहले से मौजूद भी शेप प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आपको किसी किस्म की कोई शेप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने वो शेप मौजूद होगी। तो दोस्तों इन शेप्स के बाद आपको इंसर्ट के अंदर चार्ट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। जिस तरह आप शेप को इंसर्ट कर सकते हैं इसी तरीके से आप अगर मैथ्स का कोई काम कर रहे हैं तो आप चार्ट्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो दोस्तों ये थे ग्राफिक्स जिसके जरिए आप ना सिर्फ तस्वीरों को अपने एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, बल्कि आप अलग अलग तरह की शेप्स को, चार्ट्स को,
साइकिल्स वगैरह को आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डाल सकते हैं। इसके वर्ड आर्ट, दोस्तों वर्ड आर्ट एक इस तरह का फीचर है जो कि आपको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट की वर्ड्स की अपीयरेंस को और खूबसूरत बना सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं। उसके अंदर मजीद कलर्स, आउटलाइंस वगैरह आप उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके अलावा आप उसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई तरह के स्टाइल नजर आ रहे होंगे जो कि अक्सर आपने वीडियोस वगैरह में देखे होंगे या फिर आपने अक्सर कहीं देखा होगा कि इतने खूबसूरत खूबसूरत स्टाइल्स के आपको नजर आ रहे होते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इनको किस तरह इंसर्ट करा सकते हैं, आइए इसकी एक्सप्लेनेशन हम आपको बताते हैं। दोस्तों वर्ड आर्ट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कराने के लिए आप सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू बार के अंदर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बाएं जानिब यहाँ वर्ड आर्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप अपना कर्सर यहाँ पर लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, एक छोटी सी विंडो पॉपअप हुई है, इंसर्ट वर्ड आउट वर्ड आर्ट, यानी इसके जरिए आप वर्ड आर्ट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। दोस्तों आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग स्टाइल्स के अंदर एक अल्फाबेट लिखा हुआ होगा, विच मीन्स कि जैसे ही आप किसी भी अल्फाबेट पर क्लिक करेंगे अब आपका जो वर्ड होगा वो उसी स्टाइल का होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको इस पर क्लिक करूंगी तो आप देखिएगा कि जो भी टेक्स्ट यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा डॉक्यूमेंट में वो इसी स्टाइल का होगा। ये देखिए दोस्तों अब आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है जिसके अंदर जिस तरह का भी आप टेक्स्ट चाहते हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन आप एक चीज और नोट करें कि अब आप इंसर्ट मेन्यू के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि आपके सामने एक फॉर्मेट मेन्यू खुल गया है जिसके अंदर वर्ड आर्ट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स आपको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है वो तमाम ऑप्शंस आपको इस वर्ड आर्ट स्टाइल्स के टूल बार के अंदर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे ही मैं इसकी सिलेक्शन को खत्म करती हूँ अब आप देखिएगा कि अब आप फॉर्मेट के अंदर आपको किसी किस्म का कोई फॉर्मेट का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तब दोबारा से आपके सामने ये फॉर्मेट मेन्यू खुल गया है। दोस्तों अब आप इस वर्ड आर्ट पर क्या क्या फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप वर्ड आर्ट स्टाइल्स के जरिए कोई भी स्टाइल आप अपने इस वर्ड का अपने टेक्स्ट का बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर यहाँ पर इस तरह का इसको सिलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब मेरा जो टेक्स्ट है वो चेंज होकर इस स्टाइल में आ गया है। इसी तरीके से अगर आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसके जरिए करेंगे। अगर आप अपने टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप इस सेकंड ऑप्शन के जरिए करेंगे। और अगर आप इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स डालना चाहते हैं, इसको मजीद एनहांस करना चाहते हैं, तो वो आप इस थर्ड ऑप्शन के जरिए टेक्स्ट इफेक्ट्स के जरिए करेंगे। दोस्तों आप सबसे पहले कलरफुल किस तरह करेंगे, आप इस एरो पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे अब आप देखिएगा कि आपके टेक्स्ट का कलर बिल्कुल वही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इस टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो जो भी आप इसकी आउटलाइन का कलर सिलेक्ट करेंगे अब इसकी आउटलाइन का कलर वही हो जाएगा। दोस्तों इस आउटलाइन को अगर आप मजीद मोटा, यानी अक्सर ऐसा होता है ना कि आप चौड़ी आउटलाइन चाहते हैं, कभी आप पतली आउटलाइन चाहते हैं, तो आप इस वेट के ऑप्शन के थ्रू इसकी आउटलाइन को बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। आप इसके अंदर शेडो के जरिए इसके अंदर इसको अलग अलग शेडोज क्रिएट कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन के जरिए इसकी रिफ्लेक्शन ला सकते हैं, जो भी रिफ्लेक्शन आप इस पर सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों आप ये देखते जाइए कि एमएस वर्ड आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप बिना सिलेक्ट किए आप देखना चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट कैसा दिखेगा, तो वो भी आपको साथ के साथ दिखाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लो के अंदर मैं जहां जहां कर्सर लेकर जाऊंगी उसी तरीके का मेरा टेक्स्ट ये दिखाता रहेगा। इसी तरीके से 3D रोटेशंस के जरिए आप इसकी रोटेशंस को चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों इसका सबसे ज्यादा अच्छा फीचर जो है, जो मुझे लगता है, वो है ट्रांसफॉर्म का। इस फीचर के जरिए आप देखिएगा कि जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्ट करेंगे आपके टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल वैसी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी ये इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर आप इस तरह चाहते हैं तो ऐसी हो जाएगी, अगर आप इसी सर्कल में चाहते हैं तो इस तरह हो जाएगी। यानी जैसी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं ये बिल्कुल उस तरह से आपके टेक्स्ट को, आपके टेक्स्ट पर वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देगी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि आप अपने एक छोटे से टेक्स्ट पर एमएस वर्ड के जरिए कितने सारे फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं या आपके टेक्स्ट को कितना ज्यादा एनहांस कर सकती है। इसी तरीके से ये फीचर्स तो इसको वर्ड आर्ट आपको देता है, साथ के साथ जो सिंपल टेक्स्ट पर आप फीचर अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसके साइज को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो होम पर जाकर आप इसके साइज को बड़ा और घटा सकते हैं। आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह
वो सब भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ फीचर्स जो कि एमएस वर्ड आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने टेक्स्ट पर क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को किस तरह एनहांस कर सकते हैं। तो उसके लिए एमएस वर्ड ने एक अलग ही ऑप्शन क्रिएट कर दिया, विच इज अ वर्ड आर्ट ऑप्शन। और इस ऑप्शन के जरिए आप इसके ऊपर अपने टेक्स्ट को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ तक हमने तमाम एमएस वर्ड के अंदर जो मेन मेन फीचर्स हैं, टेक्स्ट पर अगर आप कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कैसे करना है, टेबल कैसे इंसर्ट करना है, कॉलम्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, वर्ड आर्ट, हद तक के ग्राफिक्स को भी इंसर्ट करना आपने सीख लिया, ग्राफिक्स पर भी आप क्या क्या ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं वो सब आपने सीख लिए, मार्जिन्स, लेआउट्स वगैरह आपने डालना सीख ली। तो दोस्तों यहाँ तक आपने जो मेन फीचर्स थे आपके एमएस वर्ड के, वर्ड प्रोसेसर के, वो आपने सीख लिए हैं। अगले लेक्चर में हम इसके एडवांस फीचर्स आपको बताएंगे जो कि एमएस वर्ड आपको प्रोवाइड करता है, जो कि हो सकता है कि स्टार्ट के जो एमएस वर्ड्स लॉन्च हुए होंगे उनके अंदर नहीं थे, लेकिन अब जो एमएस वर्ड 16 वगैरह है उसके अंदर आपको ये नजर आएंगे। तो हम इसको डिस्कस करेंगे और साथ के साथ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आपको देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।